हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे चैप्टर 9.2 में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो चल रहा है वो क्या है, देखिए कि 8 और 26 के बीच 5 नंबर डालने हैं और जो सीरीज प्राप्त होगी वो एपी सीरीज प्राप्त होगी। तो देखिए माना आठ तथा 26 के बीच 5 संख्याएं A1, A2, A3, A4, A5 प्राप्त समान तथा A5 देन तब 8 A1 A2 A3 तब 8 A1 A2 A3 A4 A5 और 26 8 A1 A2 A3 A4 A5 26 आर इन AP। समांतर श्रेणी में देखिए यहां पर मान लेते हैं लेट 8 एंड 26 बिटवीन 5 नंबर्स, 5 नंबर A1 A2 A3 A4 A5 then 8 A1 A2 A3 A5 A26 are in AP. समांतर श्रेणी में यानी AP में तब देखिए यानी कि लास्ट सीरीज हमारे पास 26 है तो अंतिम पद हमारे पास में कितना है 26 बराबर A प्लस A मेरे पास में कितना है 8 प्लस N माइनस 1 इंटू D N हमारे पास 7 हो जाएंगे। देखिए अभी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 टर्म तो ये होगी 6 और 1 7, N की जगह कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 इंटू D। यानी कि फॉर्मूला क्या अप्लाई किया मैंने, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN का मतलब लास्ट TN की जगह कितना आ जाएगा 26 बराबर A की जगह 8 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 8 है प्लस N की जगह कितने टर्म है ये 1 2 3 4 5 6 7 7 होगी N माइनस 1 इनटू D। तो ये आ जाएगा 26 बराबर 8 प्लस 6D, तो 26 माइनस 8 बराबर 6D, तो D 6D बराबर आ जाएगा 18, तो D बराबर आ जाएगा 18 8 16 26 D 6 आ जाएगा, ये आ गया 3। अब देखिए हमें इन 5 संख्याओं की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए A1 बराबर क्या होता है A प्लस D, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A का मतलब हमारे पास में 8 है, D हमारे पास में कितना आ गया 3 11, A1 कितनी आ गई 11, A2 क्या रहेगा A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, तो A2 बराबर आ जाएगा A हमारे पास में 8 है प्लस 2D, D हमारे पास में 3 है
तो ये आ जाएगा 8 + 6 14। अब निकाल दें A3, A3 बराबर आ जाएगा A + 3D, तो A3 बराबर आ जाएगा, A का मान है 8 + 3 × D3, 8 + 9 = 17। A4 आ जाएगा हमारे पास में A + 4D निकालेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास में 8 है, +4 × D, D हमारे पास में 3 है, तो 8 + 12 यह आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। A5 और निकाल लेते हैं, A + 5D, A5 बराबर आ जाएगा A + 5D, तो A का मान हमारे पास में 8 + 5 × D, तो यह आ जाएगा 8 + 15, यह आ जाएगा 23। तो हमारे पास में ये तो तीन नंबर, पांच नंबर डाले थे, इनकी वैल्यू हमारे पास में आ गई 11, 14, 17, 20 और 23। ये इनके आंसर हो जाएंगे। अभी हमने पांच नंबर जो डाले थे कौन कौन से डाले थे, A1, A2, A3, A4, A5, और इनके मध्य निकाल लें, पांच नंबर के मध्य लेने 8 और 26 के, तो 8 और 26 के मध्य हमने कितने नंबर डाल दिए, पांच नंबर डाल दिए, A1, A2, A3, A4, A5, 26 समांतर, जो कि किसमें है, AP सीरीज में। अब देखिए लास्ट टर्म हमारे पास 26 है, तो TN बराबर A + N - 1 × T, तो TN हमारे पास में क्या है, लास्ट 26 है, तो 26 बराबर A, A की वैल्यू मेरे पास में है 8 प्लस एन, एन टर्म कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन की जगह कितना जाएगा 7 - 1 × D, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल ली, K1 बराबर क्या होता है A + D, ये फॉर्मूला आता है, A1 का मान आ गया 11, A2 का मान आएगा तो A + 2D करेंगे, A3 का निकालेंगे A + 3D करेंगे, A4 का निकालेंगे A + 4D, A5 का निकालेंगे A + 5D, A6 निकालना हो तो A + 6D आ जाएगा, A7 निकालेंगे तो A+ 7D हो जाएगी। तो हमारे को सिर्फ पांच ही नंबर जो डाले थे उनकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आया। अब इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कंपटीशन में आता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए तथा बी के बीच अर्थमेटिक मीन एन फाइंड करना है आपको, ए की पावर एन बी की पावर एन अपॉन ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1। ए तथा बी के बीच समांतर माध्य हो तो देखिए, ए तथा बी के बीच समांतर माध्य, जो मैं बता चुका हूं आपको क्या होगा, समांतर माध्य क्या हो जाएगा A + B/2। ए बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य है यानी अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है A + B/2, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ATQ प्रश्नानुसार।
यानी कि ये क्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन बराबर a प्लस b बाई टू, ये दे रखते हैं। और b के बीच अरिथमेटिक मीन a प्लस b बाई टू होगा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n बराबर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। तो 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n बराबर दोनों जुड़ेंगी तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n। गड़बड़ हो गया भाई, जल्द से गड़बड़ हो गया। टू ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन बराबर ए प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन प्लस, ठीक है भाई। और आ जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी इसके साथ में a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n बराबर, इसको इसके साथ करेंगे तो a की पावर n माइनस वन प्लस a b की पावर n माइनस वन प्लस b a की पावर n माइनस वन प्लस b b की पावर n माइनस वन। तो देखिए आ जाएगा 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n बराबर a की पावर n प्लस a b की पावर n माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन। अब देखिए ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इधर लाएंगे तो यहाँ पे टू है तो एक माइनस हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन, ये आ जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन। यहां से देखिए ए की पावर एन इधर आएगा तो ए की पावर एन बचेगा, बी की पावर एन इधर आएगा तो ये बी की पावर एन बचेगा, ये टू बी की पावर एन है, ये टू ए की पावर एन है, घट के क्या बचेगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अब आगे देखिए क्या करते हैं इसका, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस बी की पावर एन माइनस माइनस, इसको लिख लेता हूं पहले, यह आएगा इधर माइनस ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन बराबर जीरो। देखिए ए की पावर एन माइनस ये आ गया ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए बी की पावर एन माइनस वन और प्लस बी की पावर एन बराबर जीरो। देखिए इसे फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए a की पावर n माइनस वन कॉमन लिया इसमें, a की पावर n माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा a माइनस b और यहां से माइनस
माइनस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, क्या देगा b की पावर n माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, a माइनस बी बराबर जीरो। देखिए a माइनस बी बराबर जीरो तो ये कट जाएगा, तो a की पावर n माइनस b की पावर n देखिए यहां से a की पावर n माइनस कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा a आ जाएगा यहाँ से माइनस का b, यहाँ से माइनस b की पावर n माइनस वन कॉमन लिया तो a माइनस और ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा b बराबर जीरो। अब देखिए a माइनस b दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन बराबर जीरो। तो देखिए a माइनस b बराबर जीरो, a बराबर b, a नॉट इक्वल्स टू b, ये आ जाएगा a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन बराबर जीरो, a की पावर n माइनस वन बराबर b की पावर n माइनस वन। अब इसका डिवाइड करते हैं, देखिए इसका ये आ जाएगा a अपॉन b की पावर, इसका डिवाइड करेंगे तो n माइनस वन बराबर वन, ये आ जाएगा a अपॉन b की पावर n माइनस वन बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर जीरो, यानी a अपॉन b की पावर जीरो, यानी a की पावर जीरो का मतलब वन, वन को लिख सकता हूँ मैं a अपॉन b की पावर जीरो। तो देखिए दोनों तरफ कंपेयरिंग कर लें इसकी, तो इसका बेस तो समान है, इसकी पावर की कंपेयरिंग करेंगे तो n माइनस वन बराबर जीरो, तो n बराबर कितना आ जाएगा वन, तो n की वैल्यू हमारे पास में आ गई वन। आ गई हमारे पास में n की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, m नंबर्स को 1 एंड 31 के बीच एक समांतर श्रेणी बनानी है, आपको एक एपीसी बनाती है जिसकी सातवीं टर्म आपको दे रखी है माइनस वन भी, उसका रेशो दे रखा है 5:9, तो m फाइंड करना है आपको, क्या करना है m फाइंड करना है। यानी कि 1 एंड 31 माना एक तथा 31 के बीच m संख्याएं क्रमशः a1 a2 a3 up to am, m संख्या ले ली इसमें a1 a2 a3 up to am जो कि समांतर श्रेणी इसमें है, जो कि समांतर श्रेणी में प्राप्त होगी। लेट 1 एंड 31 बिटवीन m नंबर आर 1 and 31 between
एम नंबर आर A1, A2, A3 अप टू AM। तो देखिए वन A1, A2, A3 अप टू AM, और हमारे पास में कितनी है, 31, 31। देखिए यहाँ पर ए बराबर तो हमारे पास में हो जाएगा वन, और डी बराबर आ जाएगा हमारे पास में, डी तो हमारे पास में है, निकालना पड़ेगा। डी टोटल टर्म हमारे पास में हो जाएंगी एम प्लस टू। देखिए टी एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए टी एन हमारे पास कितना है, 31, ए वन है प्लस ए प्लस एन, एन टोटल टर्म, एन की जगह हमारे पास टोटल टर्म कितनी है, एम प्लस टू। टोटल टर्म देखिए यहाँ पे वन और टू, ये वन है और ये टोटल टर्म कितनी है हमारे पास में, दो। ये तो एन नंबर्स माने हमने, एम प्लस टू माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, तो ये आ जाएगा। देखिए यहां से 31 माइनस वन कितना हो गया, 30 बराबर एम प्लस वन इंटू डी, तो डी बराबर आ जाएगा 30 अपॉन एम प्लस वन। डी बराबर आ जाएगा 30 अपॉन एम प्लस वन। अब देखिए आपको सेवंथ भी टर्म निकालनी है, ए सेवन निकालना है, तो ए सेवन निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ए सेवन बराबर ए प्लस सेवन डी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए सेवन, ए का मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास में वन है, प्लस सेवन डी, डी हमारे पास में कितना आ गया, 30 अपॉन एम प्लस वन, तो ये आ जाएगा एम प्लस वन प्लस 7 21, 210 अपॉन एम प्लस वन। ये आ जाएगा एम प्लस 211 बटे एम प्लस वन। ए सेवन की टर्म कितनी आ गई हमारे पास में, एम प्लस अब निकाल लिया अपन को कौन से टर्म, ए एम माइनस वन, क्या निकालनी है, ए एम माइनस वन टर्म निकालनी है, ए सेवन में निकाल ली, हम निकालेंगे ए एम माइनस वन भी टर्म निकालेंगे, ए प्लस एम माइनस वन भी टर्म, एम माइनस वन इंटू डी, तो ये आ जाएगा ए एम माइनस वन, ए का मतलब वन, प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, 30 अपॉन एम प्लस वन। ये आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एम प्लस वन प्लस 30 एम माइनस 30 अपॉन एम प्लस वन, ये आएगा 31 एम माइनस 29 अपॉन एम प्लस वन। ये ए एम माइनस वन आ गया हमारे पास में। ए सेवन भी टर्म निकालनी है तो ए सेवन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सेवन डी। अब हमको निकालनी है एम माइनस वन भी टर्म, तो ए एम माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। यहाँ सेवन भी निकाले तो सेवन आ गया, सेवन डी, ए प्लस सेवन डी। यहाँ पे क्या एम माइनस वन भी टर्म निकालेंगे तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। एम माइनस वन डी, डी की वैल्यू हमने 30 अपॉन एम प्लस वन निकाल दिया, ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो 31 एम माइनस 29 अपॉन एम प्लस वन। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, यानी कि
इनका रेशो निकालना है, रेशो देखिए क्या से निकलेगा इसका। A7 अपॉन AM माइनस 1 बराबर आपको दे रखा है 5/9 है, कितना है 5/9। तो देखिए A7 की वैल्यू मेरे पास में है M प्लस 211 अपॉन M प्लस 1 अपॉन M माइनस 1 की मेरे पास में आ गई 31M माइनस 29 अपॉन M प्लस 1 और ये आ जाएगा 5/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एम प्लस वन से एम प्लस वन कट गया तो ये आ जाएगा एम प्लस 211 अपॉन 31 एम माइनस 29 इक्वल टू 5/9। क्रॉस गुणा कर दो भाई इसको, 9 एम प्लस 9 211 को 9 से गया 99 155 है माइनस 29 5 कितना हो गया 9 5 45 4 5 10 4 14 145 आ जाएगा 9m माइनस 155 m बराबर माइनस का 145 और माइनस का 1899। यह आ जाएगा 2 6 15 माइनस का 146 है और यह आ जाएगा माइनस का 14 13 14 ये आ जाएगा 9 2 0 4 4 माइनस से माइनस कर दिया एम बराबर 2 0 4 4 अपॉन 146। कितनी बार काटता है ये 146 को 14 24 2 4 4 18 1 4 5 6 4 1 4 14 10। कितनी बार काटेगा 14 बार काटेगा तो m का मान कितना आ गया 14। ये आ गया भाई m की वैल्यू, m की वैल्यू फाइंड करनी थी, m की वैल्यू आ गई। देखिए भाई आज के लिए इतना ही होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 कल निकालेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।